जेडीएस किचन चैनल में आप सभी स्नेहीजनों का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिवादन करता हूं। देवियों और सज्जनों, आज हम विंटर स्पेशल गुजराती सब्जी बनाएंगे। शादी ब्याह जैसे शुभ अवसर पर बनने वाली ये सब्जी गुजरात और राजस्थान का स्वादिष्ट संगम है, जिसका नाम है ग्रीन गुजरात। गुजराती उंधियू और राजस्थानी गट्टे का स्वाद ग्रीन गुजरात में आपको जरूर पसंद आएगा। मगर इस ग्रीन गुजरात को बनाने से पहले, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें, ताकि मेरी नई रेसिपी की जानकारी आपको सबसे पहले मिले। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। आपकी इंस्पायरिंग कॉमेंट्स और सजेशंस का हमें इंतजार रहेगा। तो चलिए बनाते हैं ग्रीन गुजरात। कुछ अलग करेंगे, कुछ नया करेंगे। सबसे पहले सुरती पापड़ी के साइड में जो रेसे रहते हैं उसे निकाल देंगे, क्योंकि इसको चबाने में बहुत मुश्किल होती है। ये सुरती पापड़ी आपको सिर्फ सर्दियों के मौसम में ही मिलेगी। इसी तरह से सारी पापड़ी के रेसे निकाल कर पापड़ी को तोड़कर रख देंगे। और इसके बाद अरहर के दाने, तूर के दानों को निकाल कर अलग करेंगे और साइड में रख देंगे। ये गुवार है क्लस्टर बीन्स, जिसको हमने तोड़कर रख दिया है। और ये है वालोर या वाल पापड़ी, करीब 100 ग्राम, जिसके रेसे निकाल कर उसे तोड़कर रखा है। और ये करीब 100 ग्राम सुरती पापड़ी को तोड़कर रखा है। ये फ्रेश हरे चने हैं, हरे मटर है करीब 50 ग्राम, और ये है अरहर के दाने, जिसको हमने निकाल कर रखा था, करीब 100 ग्राम। अब बनाएंगे राजस्थानी गट्टे, जिसके लिए हमें चाहिए आधा कप बेसन, स्वादानुसार नमक, सॉल्ट टू टेस्ट, 1/4 टीस्पून अजवाइन डालेंगे और डालेंगे 1/4 टीस्पून हींग, टर्मरिक पाउडर डालेंगे 1/4 टीस्पून, आधा टीस्पून कश्मीरी रेड चिली पाउडर डालेंगे जो ज़्यादा स्पाइसी नहीं होता, 1 टीस्पून धनिया जीरा पाउडर डालेंगे, आधा टीस्पून जीरा डालेंगे, बड़ी सौंफ डालेंगे करीब आधा टीस्पून, और 2 टेबलस्पून दही डालेंगे जो थोड़ा खट्टा है, पीनट ऑयल डालेंगे 1 टीस्पून। पीनट ऑयल को डालकर मिक्स कर लेंगे, मिला लेंगे और टाइट डो लगा लेंगे। हम इसमें पानी का इस्तेमाल नहीं करेंगे। इस गट्टे को सॉफ्ट बनाने के लिए थोड़ा सा ऑयल डालकर अच्छी तरह से मसलेंगे। इसको हम जितना ज़्यादा मसलेंगे, हमारे गट्टे उतने ही सॉफ्ट बनेंगे। हमारे गट्टे का आटा तैयार है। अब इस आटे को रोल करेंगे। देखिए हमारा रोल एकदम परफेक्ट है। थोड़ी बड़ी प्लेट से रोल करेंगे। गट्टे बनाने का ये तरीका आपको कैसा लगा हमें जरूर बताएं। अब इस गट्टे को हम 4 हिस्सों में काट लेंगे और काटकर उबलते हुए पानी में डालकर करीब 8-10 मिनट पकाएंगे। हमारे गट्टे गर्म पानी में डूबने चाहिए और 7-8 मिनट के बाद देखिए हमारे गट्टे तैर कर ऊपर आ गए हैं। इसका मतलब है हमारे गट्टे तैयार है। उसे ठंडा करेंगे और मनचाहे शेप में काट लेंगे। टेक्सचर देखिए, हमें ऐसा ही टेक्सचर चाहिए। आधा कप हरा धनिया को बारीक बारीक काट कर डालेंगे, थोड़े से तूर के दाने डालेंगे, थोड़े से ग्रीन मटर डालेंगे और डालेंगे ग्रीन चने, 1 इंच जिंजर को काट कर डालेंगे। आप चाहो तो ग्रीन गार्लिक भी डाल सकते हो। 1/4 कप फ्रेश कोकोनट डालेंगे, 3 हरी मिर्च के छोटे छोटे टुकड़े करके डालेंगे, ग्रीन गुजरात में ग्रीन चिली, स्वादानुसार नमक डालेंगे और ग्राइंड कर लेंगे, पेस्ट बना लेंगे। एक पैन में करीब 2 टेबलस्पून पीनट ऑयल डालेंगे, आप कोई भी रिफाइंड ऑयल ले सकते हो। तेल गर्म होने पर डालेंगे 1 टीस्पून जीरा, क्यूमिन सीड्स 1 टीस्पून, जीरा क्रैकल होने के बाद में डालेंगे 1/2 टीस्पून हींग, और हींग के डालने के बाद उसमें ऐड करेंगे
हमारी हरी हरी सब्जियाँ। सब्जियों को डालकर मिक्स कर लेंगे, अच्छी तरह से मिला लेंगे। दोस्तों, इस रेसिपी में हम ऑनियन और गार्लिक का इस्तेमाल नहीं करेंगे। एक टेबलस्पून कसूरी मेथी को हाथों से क्रश करके डालेंगे। ये है हमारी ग्रीन पेस्ट, जिसको हमने ग्राइंड करके रखा था, उसे डालेंगे और अच्छी तरह से मिला लेंगे। ग्राइंडर में थोड़ा पानी डालकर पेस्ट को डाल देंगे और मिला लेंगे। धीमी आंच पर ढककर पकाएंगे और बीच बीच में चेक करते रहेंगे। हमारा मसाला बॉटम में लगे नहीं, इस बात का ध्यान रखें। आधा कप गर्म पानी डालेंगे और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। स्वादानुसार नमक डालेंगे और मिला लेंगे। फिर से ढककर धीमी आंच पर पकाएंगे। ऑयल अलग हो चुका है। तूर के दाने और सुरती पापड़ी को पकने में थोड़ा समय लगता है। एक लेमन का जूस डालेंगे और एक टीस्पून शक्कर डालेंगे खट्टेपन को बैलेंस करने के लिए। मिला लेंगे, अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। लेमन जूस हमेशा सब्जियां पकने के बाद में ही डालें। और अब बारी है सब्जी को चखने की, टेस्ट करने की। वाह, मज़ा आ गया। और आखिर में राजस्थानी गट्टे डालेंगे और मिक्स कर लेंगे, मिला लेंगे। 3-4 मिनट के लिए ढककर पकाएंगे और आखिर में फ्लेवर के लिए डालेंगे गरम मसाला। गरम मसाले को डालकर मिक्स कर लेंगे, मिला लेंगे। खाने को परोसने से पहले चखते रहिए। हमारी फ्यूज़न रेसिपी ग्रीन गुजरात तैयार है, जिसमें गुजराती उंधियू और राजस्थानी गट्टे का बेहतरीन कॉम्बिनेशन है। इस सब्जी को हम ग्रेटेड कोकोनट और हरे धनिया से गार्निश करेंगे और गर्मा गर्म रोटी और पापड़ के साथ सर्व करेंगे। देवियों और सज्जनों, आप इस ग्रीन गुजरात को जरूर बनाएं और आपके अनुभव हमारे साथ शेयर करें। आप स्वस्थ रहे, मस्त रहे, तंदुरुस्त रहे। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। इसी कामना के साथ फिर मिलेंगे कुछ ऐसी ही मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक मुझे आज्ञा दें। धन्यवाद। नमस्कार।